So congratulations on your first very big Hollywood project. हमें ये बताएं कि कैसे लगा. First of all, I'm sure अच्छा लगा होगा, but was it different? How different was it to be? Sania, it was such a wonderful experience. First of all, being a girl from Karachi and going to Hollywood, I knew I was capable of it. And when I was offered the role, I was honestly pleasantly very surprised and happy. Because for us Pakistanis, getting a representation on such a big platform, I think it was an honor and a privilege. बहुत अच्छा लगा the way they're so professional from beginning to the end and the kind of the scale of production. मतलब मेरा तो दिल चाह रहा था कि shoot कभी खत्म ना हो and I just wanted to live there on that set. So वहाँ पे भी call time पे आते थे. Everything on time. Everything on time. अच्छा अच्छी बात ये जैसे अक्सर हमारे shoots पे ये होता है कि actor पहुँच जाता है. शूट 2 घंटे बाद शुरू हो रही है या कोई ना कोई टेक्निकल इश्यूज होते हैं. हमने सुना एक्टर ही लेट पहुंचता है. जनरली इसलिए होता है. मशहूर तो ये मार्केट में. जी 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 वो क्यों मशहूर है? आप भूल रहे हैं आप कौन सी जगह पे बैठे हैं. ऐसी एग्जाम में बात आ गई. अच्छा आप भूल रहे हैं आपको इस काउच पे बैठना पड़ेगा. नहीं एक्टर एक दिन पहुंचता है सेट पे. जब नहीं होता ना तो अगले दिन कहता है बेटा जब रेडी हो गए ना हम तब आएंगे. ओह बदला ले रहा होता है. बदला नहीं इट्स अबाउट अगर प्रोफेशनली चलेंगे. आप बोल रहे हैं क्या करें? मैं बोलूं? उनसे रहा नहीं जा रहा. हम आपको पूछ लेते हैं क्वेश्चन. मैंने क्यों अग्री किया कि मैं इनके साथ आ जाऊं? अच्छा एक्जेक्टली मैं भी यही सोच रहा हूं. देखिए हमारी सोचें कितनी मिलती हैं. नहीं इनके पास बहुत कुछ है ना बोलने के लिए तो आई थिंक सोलो शो होना चाहिए था. उनको पता है मेरे पास क्या कुछ है और वो मैंने बोल दिया. मेरे पास भी बहुत. इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में यू वर सीन फॉर द फर्स्ट टाइम विद फवाद खान. कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? सो फवाद और मेरे कभी भी हमने साथ काम नहीं किया था एंड आवर फैंस वुड ऑलवेज से कि महविश व्हाई आरंट यू गेटिंग पेयर्ड अप विद फवाद. फवाद को ये सवाल पूछते थे कि व्हाई आरंट यू कमिंग अप विद महविश हयात. And it took us a Hollywood project to come together. And mashallah, the fact that everyone around the world just loved the chemistry, and honestly, he's so professional and so good to work with. कि मुझे बिल्कुल भी time नहीं लगा to build chemistry with him. And it was pretty obvious on the screen. Everyone just loved it. And मेरे लिए तो बड़ा ही कोई amazing experience था. वसीम आप बताइए आप इतने diverse host हैं. आप ये कैसे कर लेते हैं? Cricket आए तो cricket पे show. पॉलिटिक्स हो तो पॉलिटिक्स पे शो. हीरोइन आए तो आप हीरोइन पे भी कमेंट करते हैं. मतलब ये कैसे? महविश इट्स योर टर्न. अब मैं आऊंगी बीच में. ऐसी की टेंशन. आप होस्टिंग के ऑलराउंडर. मैं ये सोच रही थी हाँ आप कैसे मतलब बस मैं कभी गुरु नहीं किया बस हो जाता है यार. फ्रेंकली जो भी चीजें कर रहा हूँ वो मैंने यही सोच के की थी कि ट्राई करने में क्या हर्ज है. आप मुझे क्यों बता रहे हैं? हम उनको बताएं. अच्छा सॉरी मुझे लगा आप भी आप अटैक करने वाले ना इसलिए मैंने तो बस यही सोच के कि ट्राई करने में क्या हर्ज है. नहीं हुआ तो कोई बात नहीं कुछ और ट्राई कर लेंगे. तो यही सोच के बस चीज़ें बल्कि कुछ चीज़ें तो इसलिए शुरू की थी कि उस वक्त उन चीज़ों को करने के लिए कोई और बंदा था नहीं तो उन्होंने कहा तुम ही कर लो. कैसी चीज़ें? मतलब होस्टिंग से मुराद थी जो आप समझिए वो भी चीज़ सही है लेकिन मैं होस्टिंग की बात कर रहा हूँ. तो वो इनमें से कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी? अभी भी हम होस्टिंग की ही बात कर रहे हैं. अच्छा वो कहीं और चली गई. आपको कैसे पता कि मैं कहाँ चली गई हूँ? अच्छा मुझे नहीं पता. माइंड रीड भी कर लेते हैं. ओह अच्छा पता लग गया ना आप ये ऑलराउंडर हैं. ही कैन डू एनीथिंग. लेकिन अभी अभी सिर्फ आंसर दें. वो नहीं आता. मुझे सबसे ज़्यादा मैं जो एंजॉय करता हूँ वो रमज़ान ट्रांसमिशन एंजॉय करता हूँ. उसकी अपनी फेस्टिविटी होती है. उसका अपना एक रोज़ाना 10-11 घंटे लाइव होता है तो व्यूअर्स से एक कनेक्शन और मज़ा आता है. सबसे ज़्यादा उसमें मज़ा आता है. गिनेस बुक में आपका नाम आना चाहिए. आई थिंक आपको ये अटैम्प्ट करना चाहिए. एग्जैक्ट आई एम नॉट जोकिंग. ऑन अ सीरियस नोट आप सेट पे रहते हैं 11 घंटे लाइव ट्रांसमिशन. नॉट एन इजी थिंग टू डू. एंड ऑल्सो जो लोग इनके साथ होते हैं वो 11 घंटे इनके साथ रहते हैं. आई मीन उनको भी जाना चाहिए. जैसे उन्होंने क्रेडिट मुझसे छीनने की कोशिश की और लोग के हवाले की. उनको भी जाना चाहिए. अब ये इन्होंने शुरू किया. ठीक है अब मुझे नहीं पता खत्म मैं करूँगी. आपके फैंस अगर आपको चाहे बड़ी स्क्रीन पे देखना कोई फिल्म की ऑफर हो या लेकिन आप हर चीज कर लेते हैं ना. इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो एक्टिंग इज वन थिंग जो कि मैं समझता हूँ मैं बहुत ही बुरी करूँगा मतलब. तो इसलिए क्यों कुछ एक दो दोस्तों ने कहा शायद देख भी रहा हूँ उन्होंने कहा कुछ सीनियर अदाकारों ने कि हमारे साथ ग्रेट एक्टर बैठे हैं ये कर सकते हैं एक्टिंग. ये हर वक्त एक्टिंग ही तो कर रहे होते हैं. I mean, कब आप एक्टिंग नहीं करते, ये सवाल होना चाहिए। तो मैं ड्रामे में एक्टिंग कर सकता हूँ आपके ख्याल में? बिल्कुल। वैसे पॉलिटिकल शो में तो मोस्टली एक्टिंग ही चल रही होती है। यार मुझे तो लगता है कि वो जितना आप नेचुरल रखेंगे उतनी जिंदगी आसान होती है। एक्टिंग भी जितनी नेचुरल हो अच्छी लगती है। वैसे 11 घंटे कोई बंदा एक्टिंग नहीं कर सकता नॉन स्टॉप, कैसे एक्टिंग करेगा 11 घंटे 10-11 घंटे। ये देखा, ये भाभी ने जो मैंने थोड़ा सा सपोर्ट कर दिया। थैंक यू वेरी मच। हाँ सो वाकई जब इतने घंटे लाइव होते हैं तो बड़ा एक नेचुरल एक, हाँ ऑफ कोर्स। तो महवेश, आई वांट टू टेल यू कि मैं पहली मेरी पाकिस्तानी मूवी वाज योर फिल्म। रियली? मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। वाह वाह। आई हैव ओनली सीन 2 शायद, एंड द फर्स्ट वन 11 इंडियंस विद मी, जिनको पंजाबी नहीं आती थी। तो मैं पंजाब नहीं जाऊंगी। सो दैट्स वेयर आई नो यू फ्रॉम, सो आई हैव सीन योर वर्क एंड सो आई जस्ट वांट टू आस्क कि क्या मतलब in Ms. Marvel to this, what was the difference? Because usually you play a certain kind of roles, a damsel in distress, yeah, you know, love sort of roles, and this was so different, like an action film. So what was the biggest challenge? Sania, I think it's quite unfortunate कि जो हमारी पाकिस्तानी फिल्में होती हैं उसमें actresses को वही damsel in distress and they need to be saved, or वो बस they are not the hero of the film. Exactly, they're there to add the glamour aspect. But they are not doing anything that is different from or substantial. With Ms. Marvel, I think Aisha का जो character है, being the great grandmother of Kamala Khan and being part of her origin story, I had a lot to emote. I had a lot to do as an actor. So maybe this is the beginning of that change. Absolutely, you know, because ये not just Pakistani films but subcontinent में this is the sort of criteria जो होता है which is slowly changing in Bollywood, but hopefully it will change here as well क्योंकि I think that women are much more than just damsels in distress. Absolutely, absolutely. और जब एक South Korean show Netflix पे highest rating और viewed हो सकता है तो पाकिस्तानी show क्यों नहीं दुनिया के सामने हम डाल सकते हैं। So I think we need to be telling our own stories. We have so many stories. But it's conversations like this that will make it happen. Absolutely. Inshallah. So that's the hope. Inshallah. उसीमा आप ये बताएं कि host और anchor. Host and an anchor. हाँ. उसके बाद सीधा herbal brand. हाँ. ये सफर बताएं और नया क्या आने वाला है आपके herbal brand में? हाँ मुझे लगा भी आप कहेंगे कि क्या ये खुला तजाद नहीं कि ये वही है मैं कहना चाह रहा था लेकिन समझ गए। सो अगेन ये भी ऐसा ही था। अच्छा ये जुनैद भाई का फ्रैंकली आइडिया था, जुनैद जमशेद साहब का। सो हम लोग एक इवेंट में बैठे थे जिनके साथ मैंने भी काम शुरू किया, तो जुनैद भाई ने मुझे कहा कि तुम ये क्यों नहीं करते, ट्राई दिस। तो मैंने कहा यार ये तो आई एम नॉट श्योर कि ऐसा कुछ करना चाहिए नहीं। उन्होंने खैर मुझे कनेक्ट करवाया और ये सारा। सो ये भी एक तजुर्बा था जो कि अल्लाह का शुक्र है कि बहुत तवक्कुआत से बहुत ज़्यादा अच्छा चल गया। सो अगेन थिंकिंग वही थी कि यार इसमें गलत क्या है कि आप लाइफ में डिफरेंट चीज़ें हर चीज़ ट्राई करने में क्या हर्ज है। सो थोड़ा सा रिस्क का एलिमेंट होता है लेकिन चांसेस लेने चाहिए लाइफ में, कभी कभी बैकफायर भी कर जाते हैं। एक्टिंग इज ऑन द वे एज वेल। अगेन वो इसलिए नहीं है मेरे ख्याल से, आई डोंट नो, कि मुझे उसमें लगता है कि उसमें चांस लेना बहुत ही बुरा आइडिया साबित होगा क्योंकि मैं बहुत ही बुरी एक्टिंग करूँगा। एंड इतना ज़्यादा एज एन एंकर एंड एज अ होस्ट और अ न्यूज़ एंकर इतना ज़्यादा वो लोगों के जहन में बैठ चुकी है इमेज। शायद लोग एक्सेप्ट ही ना करें कि क्या कर रही है। मैं कोई फाइनल बात नहीं कर रहा, पता नहीं मैं कर लूँ 6 महीने बाद तो लोग ये क्लिप लगाएंगे तो शायद कर भी लें, लेकिन आई एम नॉट श्योर, पता नहीं। वेल थैंक यू, एंड ये बातें चलती रहेंगी। म्यूजिक का तड़का अब लगाते हैं एंड वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच इज फंताक्षरी। मेरा बिछड़ा यार, मेरा बिछड़ा यार, आपका बिछड़ा यार जो है ना वेरी वो होस्ट बन गया। अगर ऐसा क्वेश्चन आपने पूछना था इससे अच्छा तो आप गा लेते।